नवगछिया पप्पू मंडल हत्याकांड में 50,000 रुपए में अपराधियों ने ली थी हत्या की सुपारी। नवगछिया पुलिस जिला के नया टोला वार्ड संख्या 23 में बीते 26 फरवरी की रात को अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी पप्पू मंडल के घर के गेट के पास पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में अपराधियों ने 50,000 रुपए में सुपारी ली थी। नवगछिया एसपी निधि रानी ने मामले का उद्भेदन कर दिया है। देखें वीडियो न्यूज। करीबन 7:30-8 बजे के बीच में नया टोला नवगछिया थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां पर चंद्रशेखर कुमार उर्फ पप्पू मंडल की कुछ अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी कड़ी में जो है एक टाउन SHO के द्वारा जो है उसमें अच्छी कार्रवाई की गई। उस केस में उसका जो अनुसंधान है त्वरित गति से उनके द्वारा किया गया। उनकी हत्या के बाद में उनकी पत्नी के फर्द बयान के आधार पर जो राजेश यादव हैं, जो उनके पड़ोस में ही रहते हैं और पुरुष है जिनके साथ में उनका कुछ निजी आक्रोश, कुछ निजी दुश्मनी चल रहा था, उनके और उनके परिवार वालों के ऊपर में एक प्राथमिकी, नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें टाउन SHO के द्वारा अनुसंधान करते हुए जो उसमें शूटर हैं उनको बड़ी ही 24 घंटे के अंदर में उनकी पहचान कर ली गई और जो पूरा इसके पीछे में घटनाक्रम था, क्या उसके पीछे कारण था, उस सब का इसमें हम लोगों के अनुसंधान में सामने आ गया है। राजेश यादव जो कि इसमें मेन अभियुक्त है, जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, जो अभी वर्तमान में जेल में है, उसके ऊपर में 220-19 नवगछिया थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसमें उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपनी बेटी को मारकर गायब कर दिया है। उस पर और उनके परिवार वालों पे केस दर्ज हुआ था, जो बाद में अनुसंधान के बाद में राजेश यादव और उनकी पत्नी पे कांड सत्य पाया गया। तो राजेश यादव ने इस कांड में सेंडर किया था माननीय न्यायालय में, और चूंकि जो चंद्रशेखर कुमार और पप्पू मंडल हैं उनके परिवार के ही एक सदस्य के साथ में जो राजेश यादव है उनकी बेटी के प्रेम प्रसंग की कुछ बात थी, और उसी जो ये प्रेम प्रसंग की बात थी राजेश यादव के परिवार को पसंद नहीं था, वो उन लोग उससे वो रजामंद नहीं थे, और उसी कारण उनके द्वारा अपनी बेटी की हत्या कर दी गई थी। और चूंकि वो इनके परिवार के सदस्य था जो लड़का जिसके साथ इनका प्रेम प्रसंग था, तो इन्होंने अपने मन में इनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की बात जो है बिठाई हुई थी, और उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने जेल से ही जो इनका भगीना है मंटू यादव उसके माध्यम से ये एक कह सकते हैं कि साजिश रची पप्पू मंडल की हत्या की। इसमें मंटू यादव के द्वारा कुछ जो अपराधी हैं, जो शूटर हैं, उनसे संपर्क किया गया और उनको जो है 50,000 रुपए और मोबाइल फ़ोन देने की इसमें बात हुई। जो इसमें अपराधी पकड़ाया है, जो अनुसंधान हमारा हुआ, जो CCTV फुटेज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अपराधी साफ दिखाई दे रहे हैं इस घटना को कायद करते हुए, तो उनकी पहचान भी इसमें हो गई है। इसमें जो घटना को करने वाले जो कि कॉन्स्पिरेसी में तो राजेश यादव और उसका परिवार है ही शामिल, उसका भगीना और उनका जो भी परिवार के सदस्य हैं, और जिन अपराधियों के माध्यम से इन्होंने ये घटना कायद करवाई है उसमें पीयूष यादव, पेशर वरुण यादव जो कि चापर घाट गोपालपुर थाना के रहने वाले हैं, साजन सिंह, पेशर मिथिलेश सिंह ये पचगछिया गोपालपुर का रहने वाला है, दिलकुश यादव, पेशर विजय यादव ये दिमहा का रहने वाला है जो कि गोपाल थाना अंतर्गत पड़ता है। साजन सिंह एक अपराधी है, इसके पूर्व में भी खरीक थाना में और गोपालपुर थाना में कुछ कांड दर्ज है। जो दिलकुश यादव है ये भी एक अपराधी है जिसके ऊपर में कि कई लूट के मामलों में ये संलिप्त रहा है। इसमें ये बात सामने आई है कि मंटू यादव के माध्यम से इन अपराधियों से संपर्क हुआ, मंटू यादव ने संपर्क किया इन अपराधियों से, 50,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन देने की बात हुई थी। मोबाइल फ़ोन घटना कायद करने से पहले ही इनको दे दिया गया था और पैसे जो है बाद में इनका देने का बात हुई थी। इसी क्रम में जो एक अपराधी है लवन यादव उसकी इसमें गिरफ्तारी हुई है इस केस में, उसके पास से एक देसी कट्टा, एक खोखा जो हम लोगों ने घटनास्थल से बरामद किया था, मतलब जो इस केस में जो बरामद किया है, एक देसी कट्टा उसके पास से बरामद हुआ है, एक मोबाइल फोन मिला है और एक पल्सर जो है मोटरसाइकिल मिली है। जो पकड़ाया हुआ अभियुक्त है उसके ऊपर में, लवन कुमार के ऊपर में पूर्व में कोई केस नहीं है दर्ज, लेकिन वो इस गिरोह के साथ में ही रहता है जिनका की आपराधिक इतिहास है। इसमें जो अपराधमिकी अभियुक्त बन रहे हैं जिनका नाम आ रहा है उसमें पीयूष यादव, साजन सिंह और दिलखुश यादव हैं। इनसे जो तकनीकी हम लोगों ने अनुसंधान किया है उसमें भी बहुत ही स्पष्ट रूप से इनका घटनास्थल के आसपास रहना,
किस तरीके से इन लोगों ने आपस में बातचीत करके इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को मतलब अंजाम दिया, और किस प्रकार से ये मंटू यादव से संपर्क में रहे, और मंटू यादव की और राजेश यादव की इसमें क्या संलिप्तता है, किस प्रकार से वो संलिप्त है, वो सभी तकनीकी अनुसंधान में काफी अच्छे हम लोगों को एविडेंस मिले हैं। और उम्मीद है कि हम लोगों को इस कांड में जो है हम लोग माननीय न्यायालय में इनको सजा भी करा पाएंगे जिस तरीके के एविडेंस हम लोगों को इस केस में मिले हैं। इसमें इसके बाद में जो नदी थाना है, नदी थाना में रात्रि में मतलब जो आज आज की और कल की जो रात थी उसमें लगभग 3:45 के लगभग सूचना मिली कि वहाँ पे वाहन चेकिंग वगैरह चल रहा था, उसी में सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो है बाइक से जा रहे हैं। आज से 3-4 दिन पहले गोपालपुर में एक घटना हुई थी जिसमें छिनते की घटना हुई थी जिसमें लगभग 60,000 रुपए छीन लिए गए थे, जिसमें काली अपाची का प्रयोग किया गया था अपराध कर्मियों के द्वारा, तो उसी काली अपाची के साथ में कल अपराधियों को पकड़ा गया है नदी थाना अंतर्गत। इसमें जो गोपालपुर में लूट हुआ था वो 60,000 का लूट हुआ था, जो इनके स्वीकारोक्ति बयान में आया कि 3 लोगों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था और आपस में 20,000 रुपए का इन्होंने आपस में उसको डिवाइड किया था। इसमें से 13,000 रुपए की बरामदगी जो एक अभियुक्त पकड़ाया है नीरज यादव उसके पास से हुई है। नीरज यादव पहले भी कई कांडों में अभियुक्त रहा है, शामिल रहा है लूट के कांडों में। आज से करीबन 5-6 महीने पहले खरीक थाना अंतर्गत जो रिलायंस पेट्रोल पंप है एनएच के, वहाँ पे 8-9 अपराधियों के द्वारा एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें कि 25 से 27 हज़ार रुपये जो नोजल मैन है उसे छीने गए थे। तो उसमें भी त्वरित अनुसंधान करके 5 लोगों को उसी समय गिरफ्तारी हो गई थी और कुछ पैसे भी बरामद हुए थे, जो बैग था वो सब बरामद हुआ था, और नीरज यादव उसमें हम लोग उस समय पर गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, भाग गया था। और साथ ही नौगछिया में एक केस हुआ था 1 साल पहले जिसमें ये जेल गया था नीरज यादव, तो नीरज यादव पूर्व में जेल भी गया है और इसका खरीक थाना अंतर्गत और नौगछिया टाउन थाना अंतर्गत इसका आपराधिक इतिहास है। इसकी गिरफ्तारी कल नदी थाना में हुई है, और इसके साथ में जो इसका साथी था आनंद कुमार जो कि पूर्णिया का रहने वाला है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फ़ोन, एक बिना नंबर का एक काला रंग का अपाची जो कि गोपालपुर वाली लूट की घटना में इस्तेमाल हुआ था, और साथ ही इनके जो इनसे पूछताछ हुई है तो पूछताछ के क्रम में कई सारी लूट की घटनाएं जो कि नौगछिया या जो आसपास के जो थाने हैं उनमें घटी थी उनका भी उसमें उद्भेदन हो गया है। गोसाई गांव में जो घटना घटी थी उसमें नीरज यादव, साजन सिंह और दिलखुश यादव इन तीनों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था। इनके द्वारा जो नीरज यादव हैं ये अररिया से भी 2017 में जो है एक बार जेल गया था आर्म्स एक्ट के केस में, इसके ऊपर वहाँ पे हुआ था हथियार इसके पास पकड़ाया था। इस्माइलपुर में नवंबर माह में एक छिनते की घटना हुई थी जिसमें लगभग 97,000 रुपए एक सीएसपी संचालक से छीने गए थे, तो उसमें भी इनका इनकी पहचान भी हो गई है और इन्होंने कन्फेस भी किया है कि इनके द्वारा ये घटना की गई थी। उसमें इनके साथ में दिलखुश यादव और ये लवन कुमार थे जो कि नौगछिया थाना में पकड़ाए हैं। तो जो गिरफ्तारी हम लोगों की कल हुई है इससे कई सारे न केवल जो कांड है उनका उद्भेदन हुआ है, बल्कि एक गिरोह जो मतलब सक्रिय था जिनका कुछ सदस्य गिरोह में ऐसे हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिनके ऊपर भी हम लोगों की नज़र नहीं थी, तो ऐसे भी कुछ लोगों का इसमें पता चला है। तो उम्मीद है कि जो बाकी बचे हुए अपराधी हैं उसको भी हम लोग जल्दी ही इसमें गिरफ्तार कर लेंगे। अपराधी पकड़ाया है जो अनुसंधान हमारा हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अपराधी साफ दिखाई दे रहे हैं इस घटना को कायद करते हुए, तो उनकी पहचान भी इसमें हो गई है। इसमें जो घटना को करने वाले जो कि मतलब कॉन्स्पिरेसी में तो राजेश यादव और उसका परिवार है ही शामिल, उसका भगिना और उनका जो भी परिवार के सदस्य हैं, और जिन अपराधियों के माध्यम से इन्होंने ये घटना कायद करवाई है उसमें पीयूष यादव, पेशर वरुण यादव जो कि चापरघाट गोपालपुर थाना के रहने वाले हैं, साजन सिंह, पेशर मिथिलेश सिंह ये पचगछिया गोपालपुर का रहने वाला है, दिलखुश यादव, पेशर विजय यादव ये दिमहा का रहने वाला है जो कि गोपाल थाना अंतर्गत पड़ता है। साजन सिंह एक अपराधी है, इसके पूर्व में भी खरीक थाना में और गोपालपुर थाना में कुछ कांड दर्ज हैं। जो दिलखुश यादव है ये भी एक अपराधी है जिसके ऊपर में कि कई लूट के मामलों में ये संलिप्त रहा है। इसमें ये बात सामने आई है कि मंटू यादव के माध्यम से इन अपराधियों से संपर्क हुआ, मंटू यादव ने संपर्क किया इन अपराधियों से, 50,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन देने की बात हुई थी। मोबाइल फ़ोन घटना कायद करने से पहले ही इनको दे दिया गया था और पैसे जो है बाद में इनका देने का बात हुई थी। इसी क्रम में जो एक अपराधी है लवन यादव उसकी इसमें गिरफ्तारी हुई है इस केस में,
उसके पास से एक देसी कट्टा, एक खोखा जो हम लोगों ने घटनास्थल से बरामद किया था, मतलब जो इस केस में जो बरामद किया है, एक देसी कट्टा उसके पास से बरामद हुआ है, एक मोबाइल फोन मिला है और एक पल्सर जो है मोटरसाइकिल मिली है। जो पकड़ाया हुआ अभियुक्त है उसके ऊपर में, लवन कुमार के ऊपर में पूर्व में कोई केस नहीं है दर्ज, लेकिन वो इस गिरोह के साथ में ही रहता है जिनका की आपराधिक इतिहास है। इसमें जो अपराधिकी अभियुक्त बन रहे हैं जिनका नाम आ रहा है उसमें पीयूष यादव, साजन सिंह और दिलखुश यादव हैं। इनसे जो तकनीकी हम लोगों ने अनुसंधान किया है उसमें भी बहुत ही स्पष्ट रूप से इनका घटनास्थल के आसपास रहना, किस तरीके से इन लोगों ने आपस में बातचीत करके इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को मतलब अंजाम दिया, और किस प्रकार से ये मंटू यादव से संपर्क में रहे, और मंटू यादव की और राजेश यादव की इसमें क्या संलिप्तता है, किस प्रकार से वो संलिप्त है, वो सभी तकनीकी अनुसंधान में काफी अधिक है। और उम्मीद है कि हम लोगों को इस कांड में जो है हम लोग माननीय न्यायालय में इनको सजा भी करा पाएंगे जिस तरीके के एविडेंस हम लोगों को इस केस में मिले हैं। इसमें इसके बाद में जो नदी थाना है, नदी थाना में रात्रि में मतलब जो आज की और कल की जो रात थी उसमें लगभग 3:45 के लगभग सूचना मिली कि वहाँ पे वाहन चेकिंग वगैरह चल रहा था, उसी में सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो है बाइक से जा रहे हैं। आज से 3-4 दिन पहले गोपालपुर में एक घटना हुई थी जिसमें छिनते की घटना हुई थी जिसमें लगभग 60,000 रुपये छीन लिए गए थे, जिसमें काली अपाची का प्रयोग किया गया था अपराध कर्मियों के द्वारा, तो उसी काली अपाची के साथ में कल अपराधियों को पकड़ा गया है नदी थाना अंतर्गत। इसमें जो गोपालपुर में लूट हुआ था वो 60,000 का लूट हुआ था, जो इनके स्वीकारोक्ति बयान में आया कि 3 लोगों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था और आपस में 20,000 रुपये का इन्होंने आपस में उसको डिवाइड किया था। इसमें से 13,000 रुपये की बरामदगी जो एक अभियुक्त पकड़ाया है नीरज यादव उसके पास से हुई है। नीरज यादव पहले भी कई कांडों में अभियुक्त रहा है, शामिल रहा है लूट के कांडों में। आज से करीबन 5-6 महीने पहले खरीक थाना अंतर्गत जो रिलायंस पेट्रोल पंप है एनएच के, वहाँ पे 8-9 अपराधियों के द्वारा एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें कि 25 से 27 हज़ार रुपये जो नोजल मैन है उसे छीने गए थे। तो उसमें भी त्वरित अनुसंधान करके 5 लोगों को उसी समय गिरफ्तारी हो गई थी और कुछ पैसे भी बरामद हुए थे, जो बैग था वो सब बरामद हुआ था, और नीरज यादव उसमें हम लोग उस समय पर गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, भाग गया था। और साथ ही नौगछिया में एक केस हुआ था 1 साल पहले जिसमें ये जेल गया था नीरज यादव, तो नीरज यादव पूर्व में जेल भी गया है और इसका खरीक थाना अंतर्गत और नौगछिया टाउन थाना अंतर्गत इसका आपराधिक इतिहास है। इसकी गिरफ्तारी कल नदी थाना में हुई है और इसके साथ में जो इसका साथी था आनंद कुमार जो कि पूर्णिया का रहने वाला है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, एक बिना नंबर का एक काला रंग का अपाची जो कि गोपालपुर वाली लूट की घटना में इस्तेमाल हुआ था, और साथ ही इनके जो इनसे पूछताछ हुई है तो पूछताछ के क्रम में कई सारी लूट की घटनाएं जो कि इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, एक बिना नंबर का एक काला रंग का अपाची जो कि गोपालपुर वाली लूट की घटना में इस्तेमाल हुआ था, और साथ ही इनके जो इनसे पूछताछ हुई है तो पूछताछ के क्रम में कई सारी लूट की घटनाएं जो कि नौगछिया या जो आसपास के जो थाने हैं उनमें घटी थी उनका भी उसमें उद्भेदन हो गया है। गोसाई गांव में जो घटना घटी थी उसमें नीरज यादव, साजन सिंह और दिलखुश यादव इन तीनों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था। इनके द्वारा जो नीरज यादव हैं ये अररिया से भी 2017 में जो है एक बार जेल गया था आर्म्स एक्ट के केस में, इसके ऊपर वहां पे हुआ था हथियार इसके पास पकड़ाया था। इस्माइलपुर में नवंबर माह में एक छिनतई की घटना हुई थी जिसमें लगभग 97,000 रुपये एक CSP संचालक से छीने गए थे, तो उसमें भी इनका इनकी पहचान भी हो गई है और इन्होंने कन्फेस भी किया है कि इनके द्वारा ये घटना की गई थी। उसमें इनके साथ में दिलखुश यादव और ये लवन कुमार थे जो कि नौगछिया थाना में पकड़ाए हैं। तो जो गिरफ्तारी हम लोगों की कल हुई है इससे कई सारे न केवल जो कांड है उनका उद्भेदन हुआ है बल्कि एक गिरोह जो मतलब सक्रिय था, जिनका कुछ सदस्य गिरोह में ऐसे हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिनके ऊपर भी हम लोगों की नज़र नहीं थी, तो ऐसे भी कुछ लोगों का इसमें पता चला है। तो उम्मीद है कि जो बाकी बचे हुए अपराधी हैं उसको भी हम लोग जल्दी ही इसमें गिरफ्तार कर लेंगे।